Hey guys, welcome back to my channel. This is Pratiksha. So before starting the video, today's sponsor is Tastebook and उनका एक अभी ऑफर आया हुआ है गणेश चतुर्थी के लिए और उनका जो पासेस है वो 315 रुपीज़ में मिल रहे हैं ईयरली पासेस और उसके ऊपर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो दैट इज़ PD आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। तो इसका जो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और आपको पता ही है अगर आप न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो टेस्टबुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ड्यूएबल क्वेश्चंस रहते हैं ताकि आपने जो फंडामेंटल अपने क्लियर किए हैं आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि आप अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप आंसर कर सको ताकि आपको एक लगे कि नहीं मैंने जो पढ़ा है मैं वो कर पा रहा हूँ। सो इसीलिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लो, वहाँ पे सारे लिंक्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे। जो भी कोर्स आप परचेस करते हो टेक्स्ट बुक से मेरा कोड यूज़ करना है ना आपको एक्स्ट्रा 10-20% डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये ऑफर 31st August तक वैलिड है। सो हरी अप। तो जैसे कि अभी IBPS PO आने वाला है राइट, जो कि हमारा अक्टूबर मिड में होने वाला एग्ज़ाम 15, 16 and 21st को, तो उसके लिए तो अभी जैसे कि मैंने पूरा लास्ट दिन अप्लाई किया है, 22 अगस्त को लास्ट डेट है तो उसी डेट को मैंने अप्लाई किया है और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 6 lakh समथिंग है। तो वी कैन प्रोबेबली से दैट कि 6 lakh बच्चों में कंपटीशन होगा एंड सही है, इस बार कंपटीशन फेयर रहेगा क्योंकि जो सीट्स है वो 6200 समथिंग है तो एक सीट के लिए 100 लोग कम्पीट करेंगे। तो इस बार का जो भी लाइक चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इज़ बेटर क्योंकि बहुत सारे सीट्स हैं एंड कम बच्चों ने अप्लाई किया है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना थोड़ा इजी रहेगा। तो उसके लिए हम प्रिपरेशंस करेंगे। उसके अलावा मैं और भी एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे जो बैंक प्रेफरेंसेस है वो कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद यूनियन, उसके बाद कैनरा। तो ये चारों है जैसे कि अभी स्थिति जो चल रही है PSB की उसके हिसाब से। उसके बाद है पंजाब सेंट, यूको, इंडियन, फिर उसके बाद जो चारों बैंक्स है वो ऐसे ही मैंने रख दिया रैंडम, जिसके जितना वैकेंसी है उस हिसाब से। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो ये थे मेरा बैंक प्रेफरेंस, तो वो तो सेकेंडरी है, पहले जॉब तो लगे उसके बाद बैंक का सोचेंगे। तो अभी जो जैसे कि IBPS PO का एग्ज़ाम होने वाला है तो अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 45 डेज के आसपास हमारे पास टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा आपको एक टाइम इंटरवल मिल रहा है एग्ज़ाम के पहले, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि अगर लाइक आपका अगर फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और आपने कोई भी एग्ज़ाम पहले नहीं दिया है स्टिल ऑल्सो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो क्योंकि IBPS PO मेरा एक IBPS PO ही मेरा पहला एग्ज़ाम है जो मैंने क्रैक किया था फर्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में 2019 में। सबसे पहला प्रीलिम मेरा IBPS PO का ही निकला था। तो IBPS PO या फिर कोई भी PO एग्ज़ाम लो, लाइक SBI PO, IBPS PO, ये जो PO एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी कंपेरेटिवली ईजी रहते हैं, क्वेश्चन का लेवल नहीं, उसका जो अप्रोच रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है क्रैक करने के लिए क्योंकि जब आपके क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं मतलब लाइक क्लर्क कट ऑफ हाई चला जाता है, जो कट ऑफ हाई जाता है फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में अच्छे अच्छे लोगों का भी मार्क्स बहुत डाउन हो जाता है तो वो काफ़ी अनसर्टन होता है क्लर्क। बट PO में आपका प्रिलिम क्लियर करना काफ़ी ईजी रहता है अगर आप एक्यूरेट पूरा आंसर कर रहे हो, देन आपका जो प्रिलिम है वो क्लियर करना एज़ कम्पेयर टू क्लर्क ईजी होता है। क्वेश्चंस इजी नहीं रहते बट हु केयर्स, जब आपका एक्यूरेसी हो तो क्वेश्चंस अगर हार्ड भी आता है, ठीक है, हमेशा ये बात आपको याद रखना है कि अगर इसका जो पैटर्न है, अगर इस शिफ्ट का जो पैटर्न है वो हार्ड आया हुआ है वो सबके लिए है, आपके लिए बस नहीं है, आपको अगर हार्ड लगा वो सबको ही हार्ड लगा है, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपका एक्यूरेसी सही है स्पेशली इन PO प्रीलिम एग्जामिनेशंस, देन आप बहुत ही कम अटेम्प्ट करके भी प्रिलिम निकाल सकते हो एंड यू नो कि प्रिलिम इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, तो बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको कट ऑफ से 10-15 मार्क्स ज़्यादा नहीं रखने हैं, ठीक है। सो वी कैन से कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हो और फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है, 45 डेज में आपको स्पीड पे काम करना है एंड एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, देन आप PO का प्रिलिम निकाल सकते हो, स्पेशली IBPS PO का, क्योंकि मैंने भी निकाला था अपने पहले अटेम्प्ट में ही मैंने IBPS PO का प्रिलिम निकाला था। तो अगर मैं इसका अभी प्रिलिम निकालती हूँ देन मेरा जो ये अटेम्प्ट रहेगा 4th मेन अटेम्प्ट रहेगा ये, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 3 बार IBPS PO का मेन मैंने दे रखा है तो बट स्टिल भी नहीं हुआ है, बट वो तो होता है।
बट अगर आपके पास लाइक आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 45 डेज में आप प्रिलिम निकाल सकते हो। लेकिन हमको यह याद रखना है कि बस प्रिलिम पे काम नहीं करना है, हमको उसके साथ साथ मेन के लिए भी काम करना है। और अभी जो लोग RRB PO दिए हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेन के प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा करनी है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी करंट टॉपिक चल रहा होगा उसी के ऊपर डिस्क्रिप्टिव आता है। लास्ट ईयर जैसे क्या आया था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनलाइज बैंक्स, इसके ऊपर एक आया था। उससे पहले आया था आपका ऑनलाइन स्कूलिंग एंड ऑफलाइन स्कूलिंग के ऊपर आया था। SBI में भी वही होता है। तो जो भी करंट टॉपिक्स है और उसके ऊपर आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं। और हमेशा एक ऐसा टॉपिक आएगा जो कि हर एक लिख सकता है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव का एक रूल है, दैट इज़ आपको ज़्यादा हाई वर्ड्स नहीं लेने, लाइक ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स पुट नहीं करने हैं। जितना आपको आता है उतना करना है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सही रखना है, फिर आपको पंक्चुएशन सही रखना है, और आपको ग्रामर सही रखना है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, इतना आपको ध्यान देना है, उससे आपके मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड पुट कर रहे हो तो ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो वेरीफाई करता है वो AI वेरीफाई करता है, कोई इंसान नहीं बैठता है। तो वो इतना नहीं समझेगा कि आप कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड दे रहे हो या फिर ईजी वर्ड्स दे रहे हो। तो बेटर है कि आप ईजी वर्ड्स दो, पंक्चुएशन पे ध्यान दो, सेंटेंस फॉर्मेशन सही रहना चाहिए, ग्रामर सही रहना चाहिए, एंड आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये 5 चीज़ों आपको ध्यान रखनी है डिस्क्रिप्टिव में। ओके, तो सेकंड ये है कि आप थोड़ा हाई लेवल रहता है RRB PO, अगर कंपेयर करें तो थोड़ा हाई लेवल रहता है MBBS PO। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितने भी मॉक्स है आपके पास, आई वुड सजेस्ट ऑलिव बोर्ड उसके मॉक्स, तो अगर आप उतना भी सही से दे रहे हो ना, उसके 10 मॉक्स आते हैं MBBS PO में, तो अगर उतना भी आप सही से उसको अटेंड करके उसको अच्छे से एनालिसिस करते हो, दैट विल बी इनफ, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बुक्स वगैरह बताए हुए हैं, जैसे कि रीजनिंग के लिए कोई भी बुक मैं फॉलो नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रीजनिंग के लिए मॉक सही है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं किसी भी बुक में नहीं रहते हैं। प्रीलिम के लिए बुक तक ठीक है, बट मेन के लिए, रीजनिंग के लिए कोई भी बुक मुझे आज तक ठीक नहीं लगा। सेकंड मैथ्स के लिए आप क्वांटम कैट भाई सर्वेश शर्मा उनका नाम है ना, ठीक है, उनका बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर मॉक्स आपके पास है ही, आपका एक मॉक में ऑलमोस्ट अराउंड 50-60 DI आपको, एक मॉक में नहीं, एक पैकेज में, एक IBPS PO की पैकेज में आपको 50-60 हाई लेवल के DI मिल जाएंगे, एंड दैट विल बी इनफ, ठीक है। और आपका ये हो गया मैथ्स, हो गया रीजनिंग, हो गया इंग्लिश के लिए भी वही है, आप बस मॉक्स फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास निमिष बंसल का परफेक्शन वाला बुक है वो भी काफ़ी अच्छा है, सोल्यूशन वगैरह सब दिए हुए हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर आपका फंडामेंटल इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो, ठीक है। सो आई वुड से कि आप सबसे पहले तो मॉक्स ही लगाओ, मॉक्स को एनालिसिस करो, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा विदाउट एनी बुक्स, विदाउट आप एक पैसा खर्च करो, बड़ा अमाउंट 900-1000 रुपये का हॉलीवुड में खर्च करो, एंड उसी से बस हो जाएगा, आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड थिंग इज़ जीके आजकल बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। आप देख सकते हो लास्ट ईयर अगर हम बोले तो हर एक एग्ज़ाम में, लेट इट बी IBPS PO, SBI PO, RRB PO, हर एक एग्ज़ाम में जो GK था वो काफ़ी टफ आया हुआ था। GK का कट ऑफ 4-5 जा रहे थे, और अगर उसके प्रीवियस ईयर बात करो तो IBPS PO में काफ़ी ईजी था, 26-27 कुछ रख रहे थे। तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि इस बार GK कैसा आएगा। तो इसीलिए GK के लिए कोई भी सोर्स फॉलो करो, बस ये आप इंश्योर करो कि आप डेली GK पढ़ रहे हो। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, देन आपका सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपका पूरा रहना चाहिए, आपके यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं मेरे को एटलीस्ट, मेरे को अगर मेरे को डीप नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट ओवरऑल मैं ऊपर से देख लूँ तो मेरे को याद आ जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। तभी आप गेस वर्क कर सकते हो जब आप पढ़े हुए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप गेस वर्क करो तो गलत ही होगा ना, है ना। तो 4 महीने का GK इज़ मोर देन इनफ। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपका तुक्का सही लग जाए तो 1-1 महीने का GK पूरा पूछ देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नवंबर या फिर जनवरी में मेन होगा तो हो सकता है बस नवंबर का ही वो GK पूछ ले, या फिर अक्टूबर का ही GK पूछ ले, ऐसा हो सकता है। इसलिए बस 4 महीने विल बी इनफ,
एंड उसके लिए सोर्सेज जो है बहुत लोग पूछते हैं क्या सोर्सेज फॉलो करें, मैं तो बोलती हूँ अड्डा 247 ही डेली फॉलो करो क्योंकि बहुत ईजी रहता है, ऑनलाइनर रहते हैं, याद करने में काफ़ी ईजी रहता है। उसके साथ साथ आप अगर थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल चाहते हो जाने के लिए, तो उसके लिए आप अफेयर्स क्लाउड यूज़ कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड सब पूछते हैं कि कौन सा उसका MCQ करे या फिर वीकली करे, तो आप वीकली जो आता है वो MCQ वीकली सेम ही होता है। अगर आप वीकली पढ़ लेते हो वही सेम ही MCQ होते हैं, उससे कम होते हैं, MCQ हमेशा कम ही होता है। तो वीकली जो आता है वो पढ़ना आप फेस क्लाउड से, एंड डेली पढ़ना अड्डा से। इतना आई थिंक कि होगा क्योंकि आप मल्टीपल सोर्स लेकर फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोग पूछते हैं कि और क्या फॉलो कर सकते हो, कुछ भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो। ऑलीवुड का पोल्ड भी बहुत अच्छा है, इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखा रहता है तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ वो भी काफ़ी अच्छा है। मेरे एक दोस्त लास्ट टाइम उन्होंने SBIBO में 119.75 स्कोर किया था, उन्होंने ऑलीवुड का बोल्ड ही पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही पढ़ना चाहिए, यही सब कोई बोल रहा तो आपको भी यही करना चाहिए, नहीं। आपको जो ठीक लगे, अगर आपका ऑलीवुड सही चल रहा है, अगर आप बहुत पहले से ऑलीवुड पढ़ते आ रहे हो, उससे GK प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है तो ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा है ना। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर आर्नेस नहीं आता है, सो बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, आपको कंप्यूटर आर्नेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप RRB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन कंप्यूटर आर्नेस आपको पढ़ ही रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं एक कंप्यूटर आर्नेस के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी कि सोर्सेस कहाँ से कलेक्ट करने हैं। सारे फ्री सोर्स है, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे फ्री सोर्स है। बस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसके लिए पैसा लगते हैं, दैट इज़ गाइडली, अदरवाइज सारे फ्री है। तो वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ से कलेक्ट करने हैं, कल वीडियो आ जाएगा उसके ऊपर। तो बाकी ये तो हो गया हमारा रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर GK भी हो गया, उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव भी हो गया। तो सारे हमारे कंप्लीट हो गए, प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है। बाकी इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं बताऊँगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ विथ जॉब विद इन 2 to 3 days, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। और उसी के साथ मैं ये बता दूंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, जब मेरा जॉब नहीं लगा था मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही थी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर मेरे कॉन्टेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन वीडियोज़ नहीं बना रही थी तो मेरे सब्सक्राइबर काउंट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, ये मैंने देखा। तो आपको हमेशा इंगेज रहना चाहिए यूट्यूब से, तभी आपके रिकमेंडेशन जाते हैं ज़्यादा एंड आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं। सो एनी वेज फॉलो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। लेकिन अभी जो, क्योंकि मेरा एक चीज़ है कि मुझे पढ़ना भी पड़ता है, मुझे ऑफिस में जाना पड़ता है, तो सारा चीज़ मैनेज नहीं हो पाता है। तो अगर कोई भी मतलब एक समझदार आदमी हो तो यही बोलेगा कि मैं पढ़ लूँ, वीडियो तो बाद में बन भी जाएगी, है ना। बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक 2 to 3 वीडियोज़ पर वीक, ताकि मेरा ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बना रहे एंड मेरे को अच्छे रिकमेंडेशंस मिलते रहे यूट्यूब पे, एंड जल्दी से जल्दी मेरा 10K हो जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड ये वीडियो मैंने कल रात को शूट किया था, सो रात को ना सो के मैंने ये शूट किया था आप लोग के लिए। सो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।